सामने आ रहा है। सत्ता पाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल होता है। महिलाओं की वजह से महाभारत जैसे युद्ध हुए। लक्ष्मण सिंह दरअसल ये बयान दे रहे हैं, बीजेपी अगर जांच से संतुष्ट नहीं हो तो सीबीआई जांच करवा दे। अब वैसे भारतीय जनता पार्टी तो सीबीआई जांच की मांग कर ही चुकी है, क्या सरकार उसके लिए तैयार होगी? बहरहाल लक्ष्मण सिंह सरकार के अंग हैं और उनकी तरफ से अगर ये बातें कही जा रही है तो अपने आप में बड़ी बातें हैं। सवाल ये भी है कि क्या एसआईटी की जांच से संतुष्ट मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार होगी? चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, क्या कह रहे हैं जरा पहले खुद सुनिए। काल से इस तरह की बातें होती आई कैमरा और ये होता है, महिलाओं का उपयोग सत्ता पाने के लिए युद्ध में होता था, महिलाओं के कारण कई युद्ध हुए हैं, महाभारत हुई, इस तरह होता है, वो नई बात नहीं है। लेकिन हाँ ये गलत है उनका उपयोग करके और फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जाए, और ऐसा होता है कि पहली बार नहीं हुआ है, मेरा ये कहना है ऐसा होता है पहली बार नहीं हुआ है, तो क्या कांग्रेस के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? सवाल ये भी है। बहरहाल आदित्य सिंह हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, बयानों के मायने क्या, क्योंकि लक्ष्मण सिंह की लाइन तो हमेशा से कांग्रेस सरकार से अलग ही नजर आई है। देखिए इस मामले में लक्ष्मण सिंह ने जब ये बात कही कि एसआईटी जांच हो जाने दें, एसआईटी जांच के बाद जो है अगर जरूरत लगती है तो सीबीआई जांच कराएं, कहीं ना कहीं व्यंग और सच कसा गया है इसको लेकर के, एक बार बीजेपी जरा एसआईटी जांच तो होने दें और उसके बाद भी वो असंतुष्ट होती है तो उसके बाद हम सीबीआई जांच कराने के लिए भी तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये बात सही है कि ये बात उन्होंने कही है कि ये जो लगातार महिलाओं का इस्तेमाल होता है वो होता आया है, पुराने समय से होता आया है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का सत्ता को हथियाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके कई तरह के मायने हैं। अब अगर बात सत्ता को हथियाने के लिए महिलाओं के इस्तेमाल की होती तो ऐसी कौन सी सत्ता है, ऐसी कौन सी सत्ता को हथियाने के लिए इन महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, ये वो कौन सा कार्यकाल था और वो कौन सा वक्त था जब सरकार का एक अभिन्न अंग इस तरह के आरोप लगा रहा है जो अपरोक्ष है, मतलब कह सकते हैं कि परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये आरोप लग रहे हैं कि सत्ता को हथियाने के लिए होता है, यानी सीधे तौर पे इशारा बीजेपी की ओर है और इशारों में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता के अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए किस तरह से हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया और उन्हें उसे एक सामान्य प्रक्रिया भी उन्होंने बताया। तो ये हनी ट्रैप को लेकर एक बयान लक्ष्मण सिंह का जो है जिसकी कई मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि अब एसआईटी जांच होगी और अगर एसआईटी जांच की रिपोर्ट आती है तो क्या उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के वो बेनकाब हो जाएंगे, क्या इसमें कई अधिकारी बेनकाब होंगे और उसके बाद जरूरत लगती है तो सीबीआई जांच होगी, तो ये बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मसला वैसे ही बहुत गर्म है मध्य प्रदेश ही नहीं देश और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नजरें बनी हुई कि इतने बड़े पैमाने पर जो लगातार अधिकारियों के जहां पर शासन और प्रशासन दोनों ही ऐसे ब्लैक फेस के पीछे जो है छुपे हों और उनको उजागर होना हो तो कहीं ना कहीं ये एक चर्चित मुद्दा तो होता ही है, क्योंकि अब सत्ता में बैठा शख्स अगर इस चीज की संस्तुति कर दे कि महिलाओं का इस्तेमाल होता रहा है तो फिर अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा कभी उसके साथ भी हुआ जो